हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, महसा अमीनी हुज डेथ लेड टू प्रोटेस्ट अवॉर्डेड यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट प्राइज। अब देखते हैं क्या है, महसा अमीनी कौन है। यही है महसा अमीनी। अब देखिए, महसा अमीनी अ 22-year-old कुर्दिश ईरानियन वुमेन हु डाइड इन पुलिस कस्टडी इन ईरान लास्ट ईयर, स्पार्किंग वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्रीज कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट थियोक्रेसी, वॉज अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज ऑन थर्सडे। यूरोपियन यूनियन अवार्ड नेम्ड सोवियत डिसिडेंट एंड्री स्कारवो वॉज क्रिएटेड इन 1988 टू ऑनर इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु डिफेंड ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। सारखोव और नोबल पीस प्राइज लॉरिएट डाइड इन 1989। अदर फाइनलिस्ट दिस ईयर इंक्लूडेड विल्मा न्यूनेज, डी स्कोरे रोमन, इतना ठीक है इनका नाम है। दो एम्ब्लेमेटिक फिगर इन द फाइट ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट इन निकारागुआ, द ट्रायो ऑफ वुमेन फ्रॉम पोलैंड, एल सल्वाडोर एंड यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग अ फाइट फॉर फ्री सेफ लीगल अबॉर्शन। टर्निंग पॉइंट, अमीनी डाइड ऑन सितंबर 16, 2022 आफ्टर शी वॉज अरेस्टेड फॉर द एलिज वायोलेशन ऑफ ईरान मैंडेटरी हेड स्कार्फ लॉ। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रोबर्टा मेट्सोला सेड दैट दे विल लिव इन इंफेमी, एडिंग दैट हर ब्रूटल मर्डर मार्क्ड बाय अ टर्निंग पॉइंट। तो ये अपने हेड पे जो इनका स्कार्फ होता है उसको लेने से इन्होंने मना किया, पुलिस कस्टडी में गई और इनकी वहाँ पर डेथ हो गई। इट हैज़ ट्रिगर्ड अ वुमेन लेड मूवमेंट दैट इज मेकिंग हिस्ट्री, शी सेड एज शी अनाउंस द अवॉर्डिंग ऑफ द प्राइज टू अमीनी एंड द वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट इन ईरान। ठीक है, सेंक्शन इम्पोज, वुमेन हैव प्लेड अ लीडिंग रोल इन प्रोटेस्ट विथ मेनी पब्लिकली रिमूविंग द कंपल्शन इस्लामिक हेड स्काफ नोन एज हिजाब। तो ये इस्लामिक हेड स्काफ, हिजाब को ये लोग मना कर रही हैं। द 27 नेशन यूरोपियन यूनियन हैज़ इम्पोज सेंक्शन ऑन ईरानियन ऑफिशियल एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, मिलिट्री ऑफिशियल एंड ईरान मोरालिटी पुलिस फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ओवर द प्रोटेस्ट। द अवार्ड सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन डिसंबर 13। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, महसा अमीनी, इनको मिल रहा है अवार्ड। ठीक है, ईरानियन थियोक्रेसी, ओ ऑर्थोडॉक्सी के वजह से इनकी ये मरी हैं। क्यों? इन्होंने हेड स्कार्फ जिसको हिजाब बोला जाता है पहनने से मना कर दिया, ईरानियन पुलिस ले जाके इनको कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, ये मर जाती है। तो बात यहाँ पर ये है कि क्या इनका राइट नहीं है, फीमेल्स का राइट नहीं है, उनको नहीं पहनना, नहीं पहनना, तुम कौन होते हो यार बोलने वाले। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेडिकलाइजेशन पोलराइजेशन चल रहा है देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर की औरतें रो रही हैं कि हमें नहीं पहनना, उनको फोर्स किया जा रहा है, और हमारी यहाँ पे बहनें रो रही हैं कि हमें पहनने दो। भाई यार आप कुछ तो समझो, आपको हम लोग फ्रीडम दे रहे हैं, आपने ये वर्ड सुना है फ्रीडम? बहुत हो गया आप लोगों का सप्रेशन, अपने लिए लड़ो, फ्रीडम लो, क्यों आप किसी कंपल्शन में रहोगे कि हमें पहनना है? कोई क्यों बताएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? ऊपर उठो। ठीक है, थियोक्रेसी जहाँ भी होगा वो डेवलप नहीं होगा, और ऑर्थोडॉक्सी कभी होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे चेंज होते रहना चाहिए, और थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बस इतना ही बताना था, हमारी इंडिया की फीमेल जो है, जो मुस्लिम फीमेल से, प्लीज़ देखो वहाँ पे लोग पहनना नहीं चाह रहे, और आप यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पहनना चाह रहे हो। तो चलिए, सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।